हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने यूटीएल गामा प्लस का बारे में सुना ही होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे टॉप 5 रीजन जिसके वजह से आपको इसको परचेस करना चाहिए। दोस्तों, पहले नंबर पर जो पॉइंट आता है वो इसका प्राइसिंग रेंज, यानी कि इसका जो प्राइस होता है वो 10,000 के आसपास ही मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, आप अलग ब्रांड में जाएंगे तो उसका प्राइस आपको 12,000 के आसपास ही मिलता है। दोस्तों, ये जो इन्वर्टर है ये 1 KVA का इन्वर्टर है और आपको 40 एम्पीयर तक सपोर्ट भी देता है। पर एक MPPT टेक्नोलॉजी बेस्ड है। दोस्तों, आपने अलग से चार जो कंट्रोलर होता है MPPT टेक्नोलॉजी बेस्ड 40 एम्पीयर का, उसको भी ले लेंगे और 1 KVA का जो अलग सा जो इन्वर्टर है उसको भी लगाएंगे तो उसका प्राइस भी जोड़ के आप देखेंगे कि उसका प्राइस आपको 12,000 के ऊपर ही मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका प्राइस 6,000 उससे कम होता है। तो प्राइस के साथ साथ इसका वारंटी भी आपको 2 ईयर्स तक दिया जाता है और इसका जो सर्विस होल इंडिया में अवेलेबल होता है। दूसरा जो पॉइंट आता है, इसका 3-in-1 मोड, यानी कि इसको इस इन्वर्टर में 3 मोड दिया जाता है। एक है स्मार्ट मोड, दूसरा है हाइब्रिड मोड और तीसरा है PCU मोड। दोस्तों, हाइब्रिड मोड क्या होता है कि आपको 22 के दिनों में जब आपको सोलर का सफिशियंट एम्पियर और वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये जो बिजली आपको ग्रिड से लेगा, यानी कि मेन पॉइंट से लेगा और आपको बैटरी को चार्ज करेगा। तो स्मार्ट मोड होता है कि आपको आपका जो सिस्टम है वो यूटीएल गामा प्लस स्मार्ट तरीके से चार्ज करता है, क्योंकि दोस्तों आपका जो बैटरी है वो लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रिड पे चला जाएगा। आपका बैटरी का जो चार्जिंग जो एम्पियर है उस सोलर में नहीं होगा तो वो भी आपको डायरेक्ट आपका ग्रिड में चला जाएगा। आपको जब बैक हो जाएगा आपका सोलर पैनल का एम्पियर और वोल्ट, वो आपको डायरेक्टली आपको सोलर पे कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट पे आता है इसका सिंपल इंटरफेसिस, यानी कि इधर देखोगे सामने एक डिस्प्ले देखेगा और आपको दिखेगा 5 बटन्स जिसको आपको यूज करके आप बहुत सारा फंक्शन इसमें एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। और डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं इसका वोल्टेज, इसका एम्पियर कितना है, आप इसका आपका मेन का जो वोल्टेज है कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है और आपने कितना परसेंट लोड चलाया है, ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं आपका सिस्टम के बारे में। दोस्तों, 4 नंबर पर जो टॉपिक आता है, इसको इजीली ऑपरेट किया जाता है, यानी कि आप इधर जो 5 बटन है इसको प्रेस करके आपको बहुत सारा जो फंक्शन है वो ऑन कर सकते हैं, यानी कि IT मोड हो और आपका बैटरी सिलेक्शन हो, आपको इन्वर्टर ऑन करना हो, आपके DC मोड हो, कोई भी हो, आप इधर से ऑपरेट कर सकते हो। और आपको डिस्प्ले ऑन किया तो आपको कलर देखेगा ग्रीन कलर। दोस्तों, ये जो डिस्प्ले का कलर है ये ऑटोमेटिकली आपको चेंज होता है कंडीशन के हिसाब से, यानी कि जब सोलर प्रेजेंट होगा तो ग्रीन कलर होगा, जब आपका बैटरी मेन से कनेक्ट होगा तो इसका कलर ऑरेंज होगा और आपको कोई भी फॉल्ट आ जाएगा आपका सिस्टम में तो रेड कलर हो जाएगा। दोस्तों, आप इस कलर कोडिंग को समझ के आप एक इजीली अंदाजा लगा सकते हैं। पॉइंट आता है वो है इसका सिंपल कनेक्टिंग डायग्राम, यानी कि आपको इसे पीछे साइड से चलेंगे तो देखोगे कि इसका सिंपल एक साइड पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए पोर्ट है। तो अगर पीछे आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव या नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दोगे तो उधर रिवर्स प्रोटेक्शन स्विच आपको मिलता है, जिससे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका सिस्टम रिवर्स कनेक्टेड हुआ है। दोस्तों, उसका साइड में आप देखोगे जो अदर कंपनी का आता है उधर बहुत सारा फंक्शनिंग स्विच दिया जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो स्विच है इधर उतना नहीं मिलता है, आप देख सकते हैं डिफरेंस। साइड पे आता है आपको प्लग इन आउटपुट डिस्प्ले, यानी कि AC का जो आउटपुट लेना है इस पोर्ट से आप ले सकते हैं। दोस्तों, 5 पिन पोर्ट है और आप इजीली इसको कनेक्ट करके आपका जो लोड है वो चला सकते हैं। तो उसके बाद आता है AC रीसेट स्विच, यानी कि आपको AC में कुछ भी दिक्कत ही हो जाएगा लाइन पे तो आप AC बटन को एक बार प्रेस कीजिए और आपका जो AC का लाइन है वो ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद आता है इसका जो वायरिंग, यानी कि आपको बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव वायर मिलता है, इसके बगैर कोई भी नहीं, कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, साइड में जो पंखा आप देख सकते हैं तो इसका जो इन्वर्टर को आपको कूल करने में आपको हेल्प करता है। दोस्तों, इस वीडियो आई होप सब लोग समझ के होंगे। जो भी आपका नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर DC सिस्टम से AC सिस्टम में आना चाहते हैं और इन्वर्टर लेना चाहते हैं MPPT टेक्नोलॉजी बेस्ड, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खुद इसको 2-3 सालों से यूज कर रहा हूँ, इसका परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा दे रहा है तो आप इसको यूज करिए। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो आपका जो परफॉर्मेंस कैसा देता है आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।